सिवान और गोपालगंज दोनों जिलों में कई लूट की घटनाएं, रंगदारी की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं। बसंतपुर में पिछले कुछ महीनों से हो रहे आपराधिक घटनाओं के बाद अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बसंतपुर में पिछले कुछ महीनों में हुए आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिससे सिवान के 4 मामलों का खुलासा हो गया है। वहीं 4 दिन पूर्व बसंतपुर के कपड़ा दुकानदार को गोली मार जैकेट लूटने वाले अपराधियों की धरपकड़ के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। यह कार्रवाई माझा पुलिस की टीम ने माझा थाना के जलालपुर गांव में की है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से सिवान के 4 मामलों का खुलासा हो गया, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो हत्याकांड, जलालपुर के बंधन बैंक के कर्मी से 66,000 रुपये की लूट और बसंतपुर के स्वर्णकार तारकेश्वर प्रसाद से 1,00,000 रंगदारी मामले का मामला शामिल है। इन अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 लूटी गई जैकेट और 2 चोरी के बाइक भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी दीपक राम, रंजन कुमार, जाकिर हुसैन और अमीर उर्फ बोल्डर माझा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गोपालगंज SP आनंद कुमार ने बताया कि गोपालगंज सिवान बॉर्डर पर कुछ अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सदर SDPO संजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं 2 अपराधी भागने में सफल हो गए। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 जैकेट और 2 चोरी की बाइक भी बरामद किया गया है। SP ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी सिवान और गोपालगंज में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। भागे 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। सिवान और गोपालगंज दोनों जिलों में कई लूट की घटनाएं, रंगदारी की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं और 30 तारीख को अर्थात कल ये जो पूरा ग्रुप था ये फिर से जलालपुर के पास इकट्ठा हुआ था। वहाँ एक बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे, जिससे जिसको वो कल ही कारित करने वाले थे। उसी दौरान जो टीम है वहाँ पहुँची और टीम ने चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की और उसमें से 1-2 अपराधी भागने में सफल हुए, लेकिन 4 अपराधी और 3 देसी पिस्टल के साथ पकड़े गए और साथ ही लूट की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और साथ ही जो बसंतपुर थाना है उसमें एक लूट इन्होंने किया था कुछ दिन पहले, जिसमें जैकेट एक दुकान से गोली मारकर और जैकेट लूटा था, वो जैकेट भी बरामद हुआ है। और साथ ही उस थाने में इनके द्वारा कुछ लोगों से रंगदारी मांगी गई थी, जिसके संदर्भ में उस थाने में कांड भी दर्ज है। तो उस रंगदारी में जो यूज़ किया हुआ मोबाइल और सिम कार्ड, उसकी भी बरामदगी हुई है। इस प्रकार रंगदारी के 1 और लूट के करीब 3 से 4 मामलों का उद्भेदन गोपालगंज पुलिस के द्वारा किया गया है और गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है और आगे भी जारी है। इन लोगों हाँ इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, इसमें से जो दीपक राम है। हम बने हुए हैं इस पूरी खबर पर, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए सिवान न्यूज। करीब 7-8 केस मिले हैं और इन लोगों का जो पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है, ये माझागढ़ थाने से पहले भी जेल जा चुका है और हम लोग और भी सिवान में अन्य थानों से संपर्क में हैं। इन लोगों के और भी आपराधिक इतिहास को जो जुटाए जा रहे हैं, जिस पर हम लोग भेजेंगे। रंगदारी कितने की मांगी गई थी, उसकी राशि की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को अब फोन करके बस अब करते हैं इनके द्वारा। देखा लोग जो हैं उन लोग कोई गैंग बनाए थे, ये पूरा ग्रुप है इनका 6-7 लोगों का, जिसमें से 4 लोग पकड़े गए हैं और जो इनके 2 लोग बचे हुए हैं उनकी तलाश में भी हम लोग सिवान पुलिस के साथ संपर्क में है और छापेमारी कर। इसके मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। कौन है मास्टरमाइंड इसमें? ये है, इसमें जाकिर है, दीपक है, ये लोग काफ़ी पुराने क्रिमिनल्स हैं और इस तरह की आपराधिक घटनाओं में पहले भी संलिप्त रहे।